साथ ही नोएडा में भी सेक्शन 144 ना कई जगहों पर लागू कर दिया गया है, यानी कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, विच इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आप जानते हैं ना कि कोरोना वायरस की ये बीमारी जब आप पास ऑन करेंगे लोगों को तो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप जानते हैं आप एक सैनिटाइज इन्वायरमेंट में हैं और सामने वाला भी सुरक्षित है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कर रहे हैं। जी हाँ, आदा खान के फैन नंबर 1 भाई, बड़े पसीने बहाए इन्होंने फैन नंबर 1 का ये खिताब जीतने के लिए। ऐसे में इनका ये पुरस्कार तो बनता है, याद रहे, दिस इज NSBS ओरिजिनल्स। कल आपने देखा था कि अदा खान से मिलने के लिए रुचित और विहांग दोनों ने ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन फैन नंबर 1 के इस टास्क को जीता रुचित ने और चल पड़े अदा खान से मिलने के लिए। वेल, आज सिर्फ नमस्ते कर सकती हूँ आपको। ओके ओके, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आई कैन गेट इट। मैम, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ योर्स, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। बिकॉज बहुत पहले से सर को मैंने मेल किया था कि मेरे को मैम से मिलना है, फिर अभी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, व्हाट इज योर नेम? रुचित कांबले, आई एम महाराष्ट्रन एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, बहुत बड़ा फैन। क्या था टास्क, मुझे तो पता भी नहीं है। कार को पुल करना था एंड फिर लाइन के आगे पुल करके तो आप जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू नो लोग घर पर हैं एंड दे आर नॉट स्टेपिंग आउट बिकॉज ऑफ द वायरस, आप मुझसे मिलने आए ऑल द वे फ्रॉम घाटकोपर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम, मेरी मॉम नागिन सीरियल देखती थी एंड मैं भी ऐसा बेटा रहता था एंड फिर मोनी रॉय जी और आप एक बोलते ना अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो मॉम को मोनी रॉय जी भी पसंद थी, आप भी पसंद थी, और मेरे को आप ज़्यादा पसंद थी। थैंक यू। एंड मैं देखता था फिर एंड पसंद आया मेरे को सीरियल, थोड़ा देखता था, फिर आप अभी कचरों की खिलाड़ी में एंड बहुत अच्छा खेल रही है मैम, बिकॉज ऑफ एनिमल्स भी है एंड थोड़ा गट्स लगता है अंदर से, तो एक अट्रैक्टिव चीज़ है। फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें मैम, वो कॉकरोच वाला सीन जो आप बता के क्या हुआ था? सो जो आपने मेरा कॉकरोच वाला देखा था, मैं एक्चुअली एक बेबी कॉकरोच था। अच्छा। आई थिंक वो कॉकरोच कुछ तो थे बहुत बड़े, मैडागास्कर कॉकरोचेस भी थे बड़े वाले, आई थिंक उन्होंने वो कॉटन शायद मेरे कान से कब निकाला या गिरा, आई हैव नो आइडिया, बट छोटा सा कॉकरोच अंदर चला गया था, बट आई डिडंट रियलाइज बिकॉज उस टास्क में एंड ऑल। और जब मैं बाहर आई मैंने सबको कहा मुझे कुछ फील हो रहा है कान के अंदर, कुछ चल रहा है, एंड एवरीबडी लाइक, वो वहम है क्रीपी क्रॉलीज के बाद यूजुअली ऐसा सब कुछ होता है। आई वेंट टू द होटल, डिनर पे सबको बोला, दे वर लाइक नहीं 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 इट्स नॉर्मल, सबने बोला नॉर्मल, ऐसे होता है, ऐसी फीलिंग आती है। व्हेन आई वेंट टू द रूम आई कुडंट स्लीप, मैं सो ही नहीं पाई बिकॉज वो कॉकरोच अंदर बहुत ड्रम्स बजा रहा था मेरे कानों में, यू नो, सो आई कुडंट स्लीप। तो मैं सुबह एक्चुअली उनको कहा कि लिसन मैं नहीं सो पाई हूँ, देर इज समथिंग। फाइनली द डॉक्टर उन्होंने ड्रॉप्स डाले एंड ऑल एंड। तो उससे मैम इंजरी क्रिएट तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिकॉज वो कूद के बाहर निकला, जिंदा था, तो फुल नाइट इट वॉज देयर इन माई ईयर, वो जिंदा कूद के बाहर निकला है मेरे कान से ड्रॉप्स डालने के बाद। यू नो मेरे आसपास जो लोग थे लाइक अमृता, तन्ना, भारती, उन लोग सबने उस कॉकरोच को एक्चुअली पॉप आउट होते हुए देखा, उनके लिए मैं तो आग बंद कर गई थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था बिकॉज उन्होंने एक्चुअली एक कॉकरोच को पॉप आउट करते हुए देखा। लेकिन आप बहुत क्यूट लग रही थी सच बताओ तो, एंड अभी और खतरनाक सन्स आने बाकी है। मैं बुक के लेना चाहता हूँ, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते कि क्या चल रहा है अभी, कोरोना वायरस ऑब्वियसली, तो फिर मैं चाहता था कि आपके लिए मैं मास्क लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। मैं मास्क लाया हूँ मैम, अरे वाह, दिस इज माई मास्क। Thank you so much for this. Thank you very much. Any gift is precious. And thank you for the love. Seriously, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब you know लोग effort करते really to come and see you. It means a lot. And even the smallest gift, and this is like so important these days. I think इससे ज़्यादा important और कोई
और प्रेशियस और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। और मैम मेरी एक ख्वाहिश है, बोलो। आप अच्छा डांसर भी हो तो मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ। नहीं लेकिन आप थोड़े करते हो अच्छे डांसर। हाँ। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा स्टेप करूँ आपके साथ। स्टेप या नॉर्मल स्टेप? ओके। वैसे तो रोमांटिक सॉन्ग्स एक दूसरे को टच करके और फील करके होते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसे होगा वायरस को मद्देनज़र रखते हुए कि हम ये सॉन्ग बिना टच किए बिना फील किए करेंगे। बहुत मेरी ख्वाहिश ऐसे पूरी हो रही है, लाइक बहुत अच्छा मोमेंट हो रहा है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मीटिंग मी एंड मेकिंग दैट एफर्ट। तो ऑब्वियसली यार आना पड़ेगा ही, किसी ने इतनी एफर्ट की है तो इसने इतनी एफर्ट की है। सो आई थिंक I know love to everyone and lots and love to all the fans and everyone who is watching and let's pray that this hard time should just go away. वैसे यकीन मानिए अगर आपकी भी कोई हॉबी है ना तो दिस इज द बेस्ट टाइम उस हॉबी को नर्चर करने के लिए। और आप जानते हैं ना कि हमारी जो संध्या मीणनी है यानी दीपिका सिंह, वो एक्चुअली एक ओडीसी डांसर भी है, ओडीसी सीख रही है एंड आई एम श्योर शी इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट। एक्चुअली ऐसा करते हैं उनसे पूछ कर आते हैं कि वो क्या कर रही हैं इन दिनों। जी हाँ, घर में बैठना है और घर में अपना वक्त भी अच्छे से बिताना है अपने आप को स्वस्थ रखते हुए। चलिए जानकर आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दीपिका सिंह के घर पर और क्योंकि देश का माहौल ऐसा है तो हम उनके घर के अंदर नहीं जाएंगे। कुछ बातें हैं जो वो अपने दर्शकों से हमारे जरिए कहना चाहती हैं। आई थिंक फ्रॉम 14th ऑफ दिस मंथ मैं जो है लोगों को अंदर आने नहीं दे रही हूँ, तो जो है या फिर ये सैनिटाइजर रखती हूँ सिर्फ दीपक और रोहित, यहाँ तक कि मैंने अपने सिस्टर और अपने ब्रदर को भी, बिकॉज वो लोग नहीं मान रहे थे बाहर जाना, तो मैंने उनको बोला बिकॉज मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, तो बीइंग अ वाइफ बीइंग अ डॉटर इन लॉ आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कांट टेक रिस्क। थैंक यू सासबू साजिश जो है मेरी ये बात समझने के लिए, जब मैंने आपको कहा कि यू नो मैं अलाउ नहीं कर सकती आपको घर में आना फॉर शूटिंग या ये बताने के लिए। तो बेसिकली आप जानना चाह रहे थे कि और दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि कोविड 19 का मैं कैसे सामना कर रही हूँ या हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मेरा घर का मेन गेट है, तो बस मैंने यहीं पर सैनिटाइजर रखा हुआ है और ये लिक्विड क्लीनर है जो मैंने गेट पर ही रखा हुआ है, तो जैसे हमें लगता है कोई आया है या मेट्स भी आए हैं, अब तो मेट भी आना मैंने बंद कर दिया है, तो इससे हम जो है गेट को जो है साफ कर देते हैं। तो ये लिक्विड क्लींजर है जो बच्चों की बॉटल धोने के लिए है और वेजिटेबल धोने के लिए है, तो इसको मैं लूंगी और सब्जियां भी जो है हम लोग गर्म पानी में ही धो रहे हैं, ये प्लास्टिक है तो गर्म पानी मैं नहीं कर सकती हूँ। थैलियां धोने के बाद मैं सबसे पहले अपने हाथ धोती हूँ। अगर आपको खांसी है जुकाम है तो मैं ये बोलूंगी कि आप प्लीज जो है अपने रूम में ही रहिए और ज्यादा तकलीफ है तो जाके प्लीज टेस्ट करवाइए। और ये इसको बोलते हैं अगेन गूसबेरीज। तो ये दो आंवला जो है मैं जो है प्रेगनेंसी से मैं कर रही हूँ इनफैक्ट, तो मैं आंवला और बीट रूट और थोड़ा सा गाजर उसका जूस बना के पीती हूँ, इससे आपकी स्किन अच्छी होती है और हेयर अच्छे रहते हैं। और सीजन का टाइम है तो जब भी सीजन का जो है फ्रूट खाते हैं हम तो उसे अच्छा ही होता है बॉडी।
कीजिए, योगा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो ये रहा मेरा हेल्थ ड्रिंक जो कि फुल ऑफ विटामिन सी है, फुल ऑफ आंवला है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड हेयर हेल्थ एंड इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये तुलसी जो कि मैं चाय में भी डालती हूँ, बच्चों के सूप में डाल देती हूँ, और जो है इसका काढ़ा भी बना के दे देती हूँ। अगर हम सब मिलकर ये सारी प्रिकॉशंस लें, अपने हैंड वॉश करते रहें बार बार हर 20 मिनट में, और जो है अच्छा खाए पिए, हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, सनलाइट ले सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, बस यही कि आपको एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है, डिस्टेंस बना के रखना है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आई एम नॉट अ डॉक्टर, ऐसा मैं कर रही हूँ, ये सब जो मैंने आपको बताया ये मैं कर रही हूँ, मेरे दिमाग से मैं चल रही हूँ, और जितना जो मुझे सही लगता है अपने फैमिली को, स्पेशली बच्चों को और बड़ों को जो है मैं सेफ रखने की कोशिश कर रही हूँ। रोहित की छुट्टी आज से पड़ी है, इश्क सुबहान अल्लाह कर रहे थे रोहित, तो रोहित ने कहा कि आज मैं पोहा बनाने में पोहा खुद ही बनाऊंगा, मदद नहीं, मैं पूरी मैं खुद बनाऊंगा। जो मैं पीती हूँ, और ये उसका पल्प है जो मैं धीरे धीरे करके खा लूंगी, उसको आप हनी मिला के खा सकते हैं। सरकार के साथ साथ दीपिका भी आप सबको यही समझाना चाहती हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आपको भी वो सारी सावधानियां अपने परिवार के लिए और खुद के लिए बरतनी चाहिए। कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ निश मिश्रा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। वैसे मैडम सर के थाने में भी एक बड़ी प्रॉब्लम आई है। जी हाँ, इस बार दो छात्रों को लेकर एक समस्या खड़ी हो गई है। दोनों बेचारे पढ़ रहे थे लेकिन किसी ने छुपके से बना लिया इनका MMS। चिंता मत कीजिए, अब मैडम सर के थाने में प्रॉब्लम आ गई है तो समाधान भी आ ही जाएगा। मुझे नहीं जीना है। तुम प्रॉपर साइड तुम मरी जाओ, तुम क्या करोगी? माइंड योर लैंग्वेज करिश्मा सिंह, आप ये क्या बोले जा रही हैं? अब हो गया आपके जज्बात की वजह से, अब हम करेंगे अपने कर्म को। रुको, मैडम सर के सामने इस बार बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। अब इस बार मैडम सर को चोर उचक्कों को नहीं बल्कि कुछ ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करना है जिन्हें सीधा करना ना को चने चबाने के बराबर होगा मैडम सर और उनकी बाकी की टीम के लिए। दो दोस्त जो गार्डन में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे उनकी तस्वीरें कुछ इस तरह से खींची गई मानो वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे हों और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था मैडम सर के सामने। जब स्टूडेंट्स ने ये समस्या बताई तब उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बहुत हो गया आपके जज्बात की वजह, अब हम करेंगे अपनी पहली। रुको, अंगद आचार्य किसी इंसान का नाम नहीं,
एक अंधी आस्था का नाम। आपने देखा होगा कि मॉरल पुलिसिंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, संस्कृति के नाम पर लोगों को हैरेस किया जाता है, उन्हें अब्यूज़ किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड वीडियो एक लड़का और लड़की का जो है वायरल हो जाता है, जिसमें वो सिर्फ बैठकर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके फ़ोटो खींच के वायरल किए जाते हैं और उनको इस तरह से पेश किया जाता है कि उनके बीच में कुछ चक्कर है और वो पार्क में बैठकर अश्लील हरकतें कर रहे थे। और इस मुद्दे को हमने उठाया है और हम वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस झूठ को जो है झूठ ही रहने दें। अब बच्चों ने तो यहाँ तक सोच लिया कि वो आत्महत्या कर लेंगे। मैं जीकर क्या करूंगी, मैं उनकी जिल्लत के कारण नहीं मरना चाहती, मुझे नहीं जीना है। चौकस आइडिया है, तुम मरी जाओ। लेकिन मैडम सर और उनकी टीम के होते हुए भला कोई भी उल्टा सीधा काम हो सकता है क्या? नहीं ना। फिर अब देखिए मैडम सर कैसे इस केस को चुटकियों में सुलझाती है और उसके बाद तैयार हो जाएगी एक नए केस को सुलझाने में। आप जो कह रही हैं ये होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। है मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। से मानना पड़ेगा, फॉर वंस ऐसा लग रहा है कि भारत जो है ना वो सिर्फ फ्री का ज्ञान नहीं बांट रहा, वो अपने ज्ञान पर अमल भी कर रहा है। जी हाँ, एक्चुअली लोग जो है बड़े कॉशियस हो गए हैं, हाथों को साफ रख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और बेस्ट पार्ट इज कि अपने आसपास वाले लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं संगीता कपूर के पास, यानी कि जो अबीर की मामी बनती है उनके पास, और दिखाते हैं कि इन दिनों वो क्या करती हैं अपने घर में। अब शूटिंग पे तो कोई जा नहीं रहा, तो कैसे वो अपने घर में काम करने वाले लोगों को भी जागरूक कर रही हैं कोरोना वायरस के लिए। वैसे दिस इज नॉट अ डे आउट, दिस इज अ डे इन। This is called house arrest, unexpectedly. The reason is unfortunately very very sad and bad. इतना बुरा रीज़न है और हाउस अरेस्ट हो गए हैं। हमको दो दिन की छुट्टी मैनेज करने की आदत है, लाइक दो दिन की छुट्टी मिली तो 8 से 10 घंटे हम सो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा एक दिन पैम्परिंग कर लेते हैं, पार्लर में जाना, स्पा में करना, बॉडी मसाज, ये वो, फिर शाम को फिर फैमिली के साथ कहीं डिनर पे चले जाते हैं, नेक्स्ट डे दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम कर लेते हैं, कभी क्लबिंग कर लेते हैं। बट इस बार इस तरीके के हॉलीडेज़ हम सबको मिले हैं कि वो ना दिन कट रहा है, ना वक्त कट रहा है, ना घंटा कट रहा है, ना मिनट कट रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी सैड। मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है। अब दो दिन हो गए मुझे घर में रह के, मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ किए, जैसे मैंने पूरे घर को ऊपर से लेके नीचे तक धो डाला अपने हाथ से, कुछ नया करने का मन था इसलिए। मेरे भाई लेकर आए थे चाणक्य नीति, जो आज तक मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो इसके भी मैं चौथे पड़ाव पे दो दिन के अंदर पहुंच गई हूँ। सैनिटाइज़र इसलिए रख रही हूँ घर, आज तक पूरे हिंदुस्तान ने इतने हाथों में सफाई नहीं रखी होगी जितने कि हम इन दिनों में रख रहे हैं। सो जैसे काम वाली मावशी है, उनको इन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, सैनिटाइज़र ये वो बस साबुन से हाथ धो देती है और उनके लिए हाथ साफ हो गया। सो उनको तो जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनके लिए मैंने सैनिटाइज़र प्लस हैंड क्रीम भी साथ में रखा है, क्योंकि बार बार आप हाथों को सैनिटाइज़ कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, तो हाथ बहुत ड्राई हो गए हैं, बहुत सूखे सूखे से होते हैं। सो वो मैंने सैनिटाइज़र हैंड क्रीम सबके लिए रखा है, मास्क मैंने रखा है, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे मास्क आज ऑर्डर करके मंगवाया भी है। जो सड़क पे लोग हैं जिनको इस मामले में कुछ पता ही नहीं है, जो एफ़र्ट्स ही नहीं कर सकते हैं, सो शाम को मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ जाके सबको मास्क बांटने वाली हूँ। एक और चीज़ जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, फिल्म सिटी का तो गेट बंद है, हम अंदर जा नहीं सकते, बट अंदर मेरे बहुत सारे 15-20 बच्चे जो मेरे सेट पे है, मेरे डॉगीज़,
और सब कुछ बंद है. आई डोंट नो सिवाय वॉचमैन के कोई और वहाँ पर होगा कि नहीं. सो उनका खाना, उनका कोई ज़िम्मेदार कैसे क्या होगा क्या नहीं. सो आज मैंने बहुत सारे बिस्किट्स और पेडिग्रीज भी मंगा के रखी है. सो कल दोपहर में मैं थोड़ा पर्सनली रिक्वेस्ट करके फिल्म सिटी के अंदर जाऊँगी और अपने डॉग्स को, अपने बच्चों को थोड़ा सा खाना वाना खिलाऊँगी, थोड़ा टाइम से उनके साथ स्पेंड करूँगी. एक छोटा सा सैनिटाइज़र मैंने रखा है घर पे जो भी मेहमान आए उनके लिए. फिर मैंने एक हैंड क्रीम भी रखा है क्योंकि हाथ ड्राई हो जा रहे बार बार सैनिटाइज़ करके. साथ साथ एक मिस्ट भी रखा है, हमेशा से हर जगह रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है लोगों के पसीनों से. सो ये हमारी मावशी. मावशी आप मुझे बताओ कि कोरोना की वजह से आप कितनी बार हाथ धो रही हैं? देखिए तो मेरी मावशी तो एकदम फिट है, फाइन एंड फिट, और वो जितने प्रिकॉशंस होने चाहिए उतने प्रिकॉशंस वो ले रही है. सो टाइम आउट हो गया हैंड वॉश का. जैसे आजकल अगर आप कोई टीवी शो देखो या टीवी ऑन करो, एवरी 15 सेकंड के बाद 10 सेकंड का ब्रेक दे रहे हैं हैंड वॉश के लिए. सो सबका भी माइंड सेट हो गया है. वो आपके हाथ चेहरे तक लाने ही नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और उसी से हम बच सकते हैं. सो ऐसे सरप्राइज मुझे नहीं मिले. मेरी दोस्त आई है हैरी, और खाली हाथ नहीं आते दोस्त, समझो. इतने सारे फ्रूट्स लेकर आई है, सारा दिन क्या करेंगे, फ्रूट्स काट के खाएंगे. सो कैसा लगा आप दोनों को? बहुत सरप्राइजली लगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब मुझे मतलब पता नहीं था कि मतलब एक्चुअली ये मेरी नीज है एंड इसका नाम है पिशा. आप एग्जाम्स के लिए गई थी ना, कहाँ पर गई थी? साइली इंटरनेशनल बोरीवली. कैसा माहौल है वहाँ पे? अच्छा है, सब लोग हाथ धो धो के फिर पेपर्स लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सब मास्क पहन के प्रैक्टिकल लिख रहे हैं. सो आपने मास्क पहना था कि नहीं? हाँ मैंने पहना था, मतलब हैंडकरचीफ था मेरे पास बस. ओके आप बताएं आपके लिए हॉलीडे कैसा है? फॉर मी संगीता हमेशा शूट में बिजी रहती है और हम हमेशा यही वेट कर रहे होते हैं कि कब उसको टाइम मिलेगा और कब हम उसके साथ बैठ के थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, घूमेंगे. बट अभी थैंक्स भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये सब इतनी गंदी डिजीज़ चल रही है, तो इसके लिए मैं इसको थैंक्स भी नहीं करना चाहूँगा कि इसकी वजह से उनके साथ बिताने के लिए टाइम मिला है. अगर आपको लग रहा है कि भैया चुनौतियों का सामना तो भाई हमारी ही जनरेशन को करना पड़ रहा है, इससे पहले की प्रॉब्लम्स भी क्या प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो ऐसा नहीं है. देखिए हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, उससे डील करने का तरीका अलग होता है. अब तेनाली रामा को ही देख लीजिए, उनके सामने महाराज ने एक बड़ी प्रॉब्लम लाकर खड़ी कर दी है और कहा है कि सॉल्व करो विदाउट हार्मिंग द रानी. जी हाँ, रानी जी के दो हिस्से करने हैं, दो इक्वल पार्ट्स, लेकिन वो स्वस्थ रहनी चाहिए. कहाँ से करेंगे, क्लोनिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी उस जमाने में. आपकी आखिरी चुनौती ये है कि आपको आपके विजयनगर राज्य की महारानी सुलक्षणा देवी को दो हिस्सों में बांटना. तो पंडित रामकृष्ण इस चुनौती को पूर्ण करके दिखाए. क्या पूर्ण करके दिखाइए, मैं ये नहीं कर सकता. इनके दो हिस्से होंगे तो इनकी तो हत्या हो जाएगी. मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा लावा बना. या तो इस कार्य को पूर्ण करके दिखाइए या ब्राह्मण बाल हत्या के दोष के लिए तैयार हो जाइए पंडित रामकृष्ण. तेनाली
काली रामा को इस बार दरबार में एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई है। इस चुनौती में तेनाली रामा को अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना होगा और जहां तक हम जानते हैं तेनाली रामा को कोई भी चुनौती मिले वो अगड़म बगड़म करके उस चुनौती को जीत ही जाते हैं। तो पंडित रामकृष्ण, आपकी आखिरी चुनौती ये है कि आपको आपके विजयनगर राज्य की महारानी सुलक्षणा देवी को दो हिस्सों में बांटना है। मैं ये नहीं कर सकता, इनके दो हिस्से होंगे तो इनकी तो हत्या हो जाएगी। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता ना बाबा ना। अब देखिए ना, उन्हें चुनौती ये दी गई थी कि महारानी के शरीर को दो हिस्सों में विभाजित करना है, जो कि सबके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। लेकिन अपनी सूझबूझ से तेनाली रामा ने इस चुनौती को पूरा कर दिखाया। अब वो क्या है ना, ये निश्चित नहीं किया गया था कि महारानी के शरीर के दो समान हिस्से किए जाएंगे। अपना दिमाग उन्होंने लगाया और महारानी के शरीर से केवल उनका नाखून काटा। मैंने महारानी के शरीर को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। ये देखिए महारानी का नख। इसे कहते हैं इस सूझबूझ और समझदारी से चुनौती को पूरा करना। महाराज तो चुपचाप से देखते ही रह गए। अब वो कर भी क्या सकते हैं, तेनाली रामा सही जो है। पंडित रामा की शक्ति जय। पंडित रामा की शक्ति जय। पंडित रामा की शक्ति जय। एक चुनौती ये पूरी हुई तो दूसरी चुनौती ये है कि विजयनगर में पानी की समस्या बढ़ गई है। पीने और खेती के लिए पर्याप्त जल नहीं है। अब इस समस्या को भी तेनाली रामा चुटकियों में पूरा कर देंगे, इतना हमें तो विश्वास है। आपकी आखिरी चुनौती ये है कि आपको आपके विजयनगर राज्य की महारानी सुलक्षणा देवी को दो हिस्सों में बांटना। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं ये नहीं कर सकता, इनके दो हिस्से होंगे तो इनकी तो हत्या हो जाएगी। मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा ना बाबा ना। हाँ, घर बैठे बिठाए बोरियत होती है ना। किसी से मिलने का मन करता है, किसी से बात करने का मन करता है, तो वो तो आप अभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फोन उठाकर बात कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि वन टू वन, जब तक आमने सामने जाकर एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगे तो बातें नहीं होंगी। अब आप और हम भी तो मुलाकात कर रहे हैं टीवी के जरिए। इट इज टोटली सेफ। वैसे एक मुलाकात तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के जमाने से पहले भाई गुनीत और अंबर ने भी कराई थी, निया और उनके ऑफिस के लोगों की। देखिए ना, गुनीत और अंबर इस बात को समझ गए हैं कि निया और कबीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन वो क्या है ना, अंबर शर्मा के चलते निया ने कभी भी इस बात का एहसास किसी को नहीं होने दिया। हालांकि कबीर और निया ये जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन पापा जी की खातिर वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहती है। कुछ दिनों से तो वो ऑफिस भी नहीं जा रही है। अब अंबर को गुनीत से प्यार हुआ तो भाई अंबर को बेटी के प्यार का भी एहसास हुआ, और उसी एहसास के चलते गुनीत और अंबर ने निया के ऑफिस वालों को घर बुलाया है। इन शॉर्ट कहे तो रियूनियन पार्टी रखी है। टू गुनीत जी और अंबर जी, जिन्होंने आज का ब्यूटीफुल रियूनियन प्लान किया है। Cheers. For new friends and old. Cheers. 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 आप सारे दोस्त जो है वो दुश्मनी भूल जाओ, काम अलग दोस्ती अलग। बिल्कुल सही काम। Cheers. 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 Cheers everybody. अब इस पार्टी में ऑफिस के कलीग्स आ तो गए, लेकिन निया है उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा बुझा बुझा सा लग रहा है। अब वो क्या है ना, कबीर को दूसरी एक कलीग भी तो पसंद करती है, लेकिन कबीर तो निया को चाहता है।
अभी कहानी में थोड़ा सा नया मोड़ आया है। गुनीत और अंबर की जोड़ी बनेगी, उससे पहले हमें लगता है गुनीत और अंबर मिलकर निया और कबीर की जोड़ी बनाएंगे, ऐसा होगा हमें लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।